हेलो प्यारे बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन दी फॉलोइंग फिगर्स। पहला पार्ट है हमारा, तो यहाँ पे तीन एंगल दे रखे हैं, ये एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है। अब अगर देखा जाए इस फिगर को, तो देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ चार साइड हैं, चार साइड फिगर, यानी कि ये हुआ है क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है इन सभी का सम कितना आना चाहिए, 360 डिग्री, यानी कि 50 + 130 + 120 + x इक्वल टू, ये होगी इक्वेशन हमारी, इक्वल टू बन गया 360 डिग्री। ठीक है, ये सभी जो है डिग्री हैं। अब इन सब को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का सम आ गया हमारे पास 300 डिग्री, 300 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू, ये हो गया 360 डिग्री। इक्वेशन हमारी बन गई, एक्स को यहीं रहने देते हैं, 300 को दूसरी साइड पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे पहले से 360 डिग्री था, तो 360 डिग्री, 300 को जब यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 300 डिग्री, क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज होता है, तो माइनस करेंगे तो ये बचेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 60 डिग्री। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए ये एक्स, ये 70, ये 60। अब देखिए ये बाहर का 90, ये 90 डिग्री बाहर का, यानी एक्सटीरियर एंगल है। अब क्योंकि ये लाइन हमारी सीधी है इस तरह से, यानी ये अगर बाहर का 90 है तो अंदर का भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का ही साइन होता है इस तरह से। ठीक है, बाहर का 90 तो अंदर का भी 90 डिग्री हो गया। कितनी साइड है, 1, 2, 3, 4, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्या होगा, एक्स प्लस 70 डिग्री, ठीक है ये एक्स है, एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस इसको लिखेंगे 90 डिग्री, और ये इक्वल टू हो गया हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, तो इनको जोड़ देते हैं, इन तीनों को, एक्स को यहीं रहने देते हैं, एक्स प्लस, तो ये आ गया इन तीनों को जोड़ के 220, यानी 220 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, एक्स की आ जाती है 360 - 220 डिग्री। तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है, 360 में से 220 गए तो ये हमारे पास आ जाता है 041, यानी 140 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स इक्वल टू आ गई 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये 30 डिग्री, ये एक्स, ये भी एक्स, देखो यहाँ पे ये दो रिंग है, यहाँ पर भी दो रिंग है, यानी ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है, और वैसे भी दोनों को एक्स एक्स नाम दे रखा है तो दोनों इक्वल। ये 60 डिग्री, ये बाहर का 70 डिग्री। अब अगर देखा जाए तो ये फिगर, ये जो पॉलीगन है हमारा, कितनी साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, यानी कि ये हमारा हो गया पेंटागन। ठीक है, अब हमें ये अंदर के एंगल फिलहाल नहीं पता है, एक ये भी नहीं पता है, हमें ये एंगल पहले निकालने पड़ेंगे तब हम इसमें इक्वेशन बना पाएंगे। तो देखिए ये 70, हम इसको ना ए मान लेते हैं, और इधर वाले एंगल को हम मान लेते हैं बी। ठीक है, तो पहले ए और बी निकाल लेते हैं। देखो 70 और ए हमारे लीनियर पेयर है, यहाँ से पहले हम ए निकाल लेते हैं, यानी 70 + a इक्वल टू आएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल होते हैं, यानी एक इधर का एक इधर का, दोनों लाइन अगर सीधी बन जाए, उन दोनों को एंगल को जोड़ने पर सीधी लाइन बन जाए, तो हम बोलते हैं उसको लीनियर पेयर, और दोनों का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बार लिख भी देता हूँ, ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 70 को उधर पहुँचा देंगे माइनस में, तो 180 डिग्री - 70 डिग्री, तो ये आ जाता है हमारे पास 110 डिग्री। ए की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 110 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हम जरा बी की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि बी और 60 ये भी दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो देखो बी प्लस 60 डिग्री, ये दोनों इक्वल टू आ जाएगा सम इनका 180 डिग्री। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इक्वल टू 180 - 60 डिग्री, 180 - 60, ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो देखो बी एंगल जो आ गया हमारे पास, ये आ गया 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें यहाँ ये देखना है, ए आ गया, बी आ गया, अंदर दो बार एक्स है और एक 30 डिग्री, इन पांचों एंगल का सम कितना आएगा, क्योंकि पेंटागन है तो पेंटागन के एंगल का सम आता है 540 डिग्री। तो देखो लिख लेते हैं, तो ए बी की वैल्यू पहले लिख देते हैं, यानी
110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 540 डिग्री, क्योंकि पेंटागन है, एक दो तीन चार पांच पेंटागन है और एंगल सम पेंटागन में होता है 540 डिग्री। कैसे निकालते हैं तो आपको मैंने निकालने का तरीका बताया था। तरीका क्या था, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यहां से हम एंगल का सम निकाल सकते हैं। पांच साइड थी तो पांच माइनस टू यानी थ्री, थ्री इंटू 180 डिग्री कितना आ गया हमारा, ये आ गया 540 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 30, इन तीनों को पहले जोड़ लिया जाए तो 110 प्लस 120 ये तो हो जाएगा हमारे पास 230, 230 हो गया। इन दोनों का सम 230 और प्लस 30 260, 260 प्लस एक्स और एक्स 2x इक्वल टू 540 डिग्री। तो देखो 2x की वैल्यू निकालनी है तो 2x को यहीं रहने देते हैं, ये हो जाएगा 540 माइनस उधर गया 260, तो ये यहाँ प्लस का था उधर गया माइनस का, तो देखो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 540 में से 260 गए तो 0 में से 0 गया 0 और यहाँ कैरी लेंगे तो 14, 14 में से 6 गया तो 8 और यहाँ बचे 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2x इक्वल टू 280 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 280 डिवाइड बाई 2। यहाँ ये मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 2 बन जा 2, ये 2 बन जा 2, 2 4 जा 8 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 140 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 140 डिग्री। तो ये x कितना आ गया जो हमें चाहिए था, ये आ गया हमारे पास 140, ये भी हमारे पास 140। ठीक है, अब जरा इसका डी पार्ट करते हैं। अब देखिए डी पार्ट में अगर देखें तो ये सभी साइड इक्वल दे रखी हैं। देखो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, पांचों साइड आपस में इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, और ये जो एंगल है ये x है, ये भी x, ये भी x। ठीक है, 90 मत समझना, ठीक है, फिगर बनाने में थोड़ी गड़बड़ हुई है, थोड़ी गड़बड़ हुई है उसके लिए सॉरी। ठीक है, ये x, 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 ये भी x और ये भी x। ठीक है, आप जब किताब से देख के फिगर बनाएंगे तो सही बनेगा। ये x, x है, ये पांचों एंगल क्या है, बराबर है। अब ये हमारे पास पेंटागन है, पांच साइड है, तो देखिए जब हमारे पास सभी साइड इक्वल है तो सभी एंगल भी हमारे पास इक्वल होंगे और सभी एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि पेंटागन है तो 540 यानी x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x। ठीक है, पांच बार इक्वल टू आ गया हमारे पास 540 डिग्री, पांच बार है तो जुड़ जाएगा तो 5x हो जाएगा, 5x इक्वल टू 540 डिग्री, 5x इक्वल टू 540 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 540 डिवाइड बाय, क्योंकि मल्टीप्लाई में दूसरा जाएगा डिवाइड में, तो अपॉन कर देंगे 5 से, कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 बन जा 5 और ये 5 बन जा 5 और 58 या 40, अब बीच में ना जाने की जीरो लगेगी तो 108, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108। देखो बहुत बच्चे तो इसको डिवाइड करने में गलती करेंगे, डायरेक्ट इसको 18 लिखेंगे जो कि गलत आंसर आएगा, इसको सही से डिवाइड करेंगे तो बीच में ना जाने की जीरो लगेगी। ठीक है, तो आंसर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 108 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी इसमें एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है,